यूपी के बस्ती में वाल्टरगंज सुगर मिल को फिर से शुरू कराने के लिए किसानों ने एनएच 24 को जाम कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने मोदी और योगी सरकार दोनों पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। किसान कई महीनों से मिल को शुरू कराने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहीं डीएम से सुगर मिल को चलाने के आश्वासन के बावजूद किसान जाम खत्म करने को तैयार नहीं है। पैसा नहीं हम लोग को मिल रहा गन्ना का, दो साल का, और मिल भी नहीं चल रही है और फिर गन्ना दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम लोग का सहारा था। कितना पैसा करीब बाकी आप लोगों का मिल का? हाँ, कितने रुपए बाकी? 44 करोड़ बकाया है। और लामे आज पैसा हम लोग को दे दें, हम लोग कर दें। 74 करोड़ जमा का बकाया है और ये सारा पैसा हम लोग को भुगतान दे दें, हम लोग को क्या जरूरी है झगड़ा करें। हमारी मांग यही है, सीधा सा मांग है, तीन मांगे हैं हमारी जो है। नंबर एक मांग कि किसानों के गन्ने का भुगतान तत्काल कराया जाए। नंबर दूसरा मांग जो है हमारे कर्मचारियों के वेतन का, जो 11-12 महीने का वेतन हो गया है उसको तत्काल दिया जाए। उससे जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर भूखमरी की स्थिति हो गई है, तो वेतन तुरंत भुगतान किया जाए। और मिल अगर कोई नहीं चला रहा है तो शासन द्वारा हमारा अनुरोध है कि रिसीवर बैठा करके, डीएम साहब के नेतृत्व में रिसीवर बैठा करके वाटरगंज सुगर मिल तत्काल चलाया जाए। 3-4 दिन के अंदर तत्काल चलाया जाए वाटरगंज सुगर मिल। 3.5 महीना लगातार धरना हो गया, तमाम बार डीएम ने हमको बुलाया, डीएम के पास हम लोग गए, वार्ता किए, लेकिन सार्थक रिजल्ट अभी तक कोई नहीं आया। सिर्फ कभी कहते हैं आ जाएंगे, मिल मालिक आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। सिर्फ एक सिरे से 3.5 महीने से लगातार गुमराह किया जा रहा है।